वालेकुम बच्चों आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं बच्चों हम लोग इस वक्त कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर ट्वेंटी पर और हमारा चैप्टर नंबर ट्वेंटी में लेक्चर नंबर थ्री है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है और जो टॉपिक है हमारा आज का क्वान्टाइस रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम ठीक है हमने जो हाइड्रोजन एटम के क्वांटाइज रेडियाई को फाइंड करना है ठीक है रेडियाई मीन्स के हमने हाइड्रोजन एटम के लिए उसके पॉसिबल डिफरेंट ऑर्बिट्स जो हैं उसके रेडियाई या रेडियस जो है ये फ़ाइंड करना है फ़र्स्ट ऑर्बिट जो है उसका रेडियाई क्या होगा सेकंड ऑर्बिट का रेडियाई क्या होगा फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा थर्ड का क्या होगा और जो भी पॉसिबल स्टेट्स हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की या इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी स्टेट्स हैं किसी हाइड्रोजन एटम के अंदर उसके पॉसिबल जो स्टेट्स हैं उनके हमने रेडियाई या रेडियस जो है ये फ़ाइंड करने हैं ठीक है आज का बच्चों हमारा लेक्चर जो है ये शॉर्ट लेक्चर होगा अभी विद इन थर्टी मिनट्स हम इसको कंप्लीट करेंगे और ये मैथमेटिकल पार्ट है बच्चों इसमें काफ़ी और मैथमेटिकल डेरिवेशन है जिसमें हम डिफरेंट रेडियाई जो है उसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और right बच्चों तो आप लोग इस लेक्चर को एक सिटिंग में देखें और अपने पास हैंडबुक टेक्स्ट बुक या नोटिस बनाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए राइट जिसमें आप इस लेक्चर में जो एम या शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उनको नोट कर सकें तो जो हम स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट अपने इस टॉपिक को आज क्वान्टज्ड रेडिया ऑफ हाइड्रोजन एटम तो इसलिए जो हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम की ही बात करेंगे तो लेट्स एट जो मैं बनाता हूँ आपके सामने हाइड्रोजन आइटम विच इज़ असी हाइड्रोजन आइटम हैज़ वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन विच इज़ मूविंग इन द फर्स्ट एनर्जी स्टेट अराउंड द न्यूक्लियस राइट तो फर्स्ट कीजिए ये जो इसका न्यूक्लियस है विच इज़ प्रोटॉन और फर्स्ट कीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इसको ऑर्बिट में मूव कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव प्रोटोन का चार्ज पॉजिटिव Uh, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मूव करने की जो स्पीड है जो दैट लेट्स दैट इज़ वी एन स्पीड तो वी है लेकिन उसके साथ एन दिया है क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन के मूव करने की जो स्पीड होगी दैट विल बी डिफरेंट तो फर्स्ट ऑर्बिट में वी वन हो जाएगी सेकेंड ऑर्बिट में वी टू हो जाएगा फिर वी थ्री हो जाएगा ऐसे हम चेंज करेंगे और जो लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से जो डिस्टेंस है वो इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है और उसको हम आर एन से डिनोट करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आर वन होगा सेकेंड ऑर्बिट के लिए आर टू हो जाएगा थर्ड के लिए आर थ्री हो जाएगा एंड सो ऑन। राइट तो ये जो हमारे पास कुछ बेसिक हाइड्रोजन जो है इसका स्ट्रक्चर है अब जो हम अपनी बात को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जो हमने बनाना है वो इस रेडियाई के लिए बनाना है इस रेडियस के लिए हमारे फाइनल एक्सप्रेशन में रेडियस होना चाहिए जो हमने फाइंड करना है और उसकी कुछ कुछ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ये हम बनाएंगे तो हम जो अपनी बात को यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोज जैसे हाइड्रोजन आइटम इसमें ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है ये ऑर्बिट में मूव करता है तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव सो द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू सम फोर्स दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंटिपिटल फोर्स राइट सो हम अपनी बात को यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट इन एन ऑर्बिट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स राइट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है अगर इसके ऊपर कोई सेंटिपिटल फोर्स एक्ट नहीं करती तो फिर तो ये ऑर्बिट बनाता ही ना फिर तो ये मूव कर जाता है उसी डायरेक्शन में तो चूंकि ये ऑर्बिट बनाता है और न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो इसका मतलब है कि जरूर कोई ना कोई सेंटिपिटल फोर्स है और उस सेंटिपिटल फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो, एंड दैट सेंटिपिटल फोर्स इज़ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर तो ये हमारे पास सेंटिपिटल फोर्स का एक जनरल एक्सप्रेशन है कि जिसमें हम सेंटिपिटल फोर्स को एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल लिखते हैं तो यहाँ पर जो हम इसको सेंटिपिटल फोर्स के इस जनरल एक्सप्रेशन को हम लोग यू लिखेंगे एम वी एन स्क्वायर ओवर आर एन यहाँ पर हम आर के साथ भी एन यूज़ करेंगे एज ए सबस्क्रिप्ट और वी के साथ भी यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वी की और आर की वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में हम देखेंगे डिफरेंट है एम के साथ हम लोगों ने एन यूज़ नहीं किया इसलिए कि जो एम है दैट इज मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन का मैस है दैट इन एवरी ऑर्बिट इन एनी ऑर्बिट दैट रिमेंस सेम सो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज सेंटिपिटल फोर्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस अच्छा बच्चो इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो सेंटिपिटल फोर्स है उसकी जो रीज़न है वो क्या है तो दैट रीज़न इज़ एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस विच इज़ प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैं लिखता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच इज़ कॉल्ड विच इज़ कॉल्ड कूलम्स फोर्स विच इज़ कॉल्ड कूलम्स फोर्स राइट ये जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमने कहा था कोलम्स uh, फोर्स से हम इसको फाइंड कर सकते हैं चूंकि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट पॉजिटिव प्रोटॉन से जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है तो इसलिए हम यहाँ पे हम कूलम्स फोर्स के फॉर्मूले से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं ठीक है तो हमारे पास जो कोलम्स फोर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला है एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स उसका फार्मूला है जो हमारे पास k क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा हुआ है कूलम्स फोर्स फाइंड करने का के भी जो कूलम्स कांस्टेंट कॉन्स्टेंट क्यू वन इज वन चार्ज क्यू टू इज अनदर चार्ज आर इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस अब इस गिवन सिचुएशन के मुताबिक अगर हम इस इक्वेशन को लिखें एफ ई को तो दैट इज के क्यू वन इज ई क्यू टू इज ऑल्सो ई ओवर आर एन स्क्वायर देखिए बच्चों ये जो न्यूक्लियस है इस हाइड्रोजन एटम की हम बात करें तो उसका न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन है और प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव ही लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैंने दोनों के चार्ज को ई और ई लिया है तो इसका मतलब ये चू कि यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू के ई स्क्वा ओवर आर एन स्क्वायर ये हमारे पास यहाँ पे बन गई इक्वेशन नंबर टू तो ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्स फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओके अब जो देखें मैं यहाँ पे एक फिकरा लिखता हूँ कि के इस केस में कि के इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को या इस न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो कूलम्स फोर्स है कूलम्स फोर्स इज़ वर्किंग कुलम्स फोर्स इज वर्किंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर जो कुलम्प्स फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन दैट फोर्स इज वर्किंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स राइट सेंट्रीपिटल फोर्स इट सेल्फ इज अ नेम ऑफ अनदर फोर्स जैसे हम कहते हैं जो प्लैनेट्स हैं जैसे अर्थ है दैट इज मूविंग अराउंड सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज वर्किंग एज सेंटिपिटल फोर्स राइट तो इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस ड्यू टू ड्यू टू अ फोर्स विच इज़ कूलम्स फोर्स सो इन दिस केस कूलम्स फोर्स इज वर्किंग एज सेंटिपिटल फोर्स तो हम ये कहते हैं कि ना हो कूलम्स फोर्स एफ ई इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू एफ सी हम ये जो एफ ई है ये जो हमारे पास आ जाएगा के ई स्क्र ओवर आर एन स्क्वा एंड दैट इज इक्वल टू एफ सी विच इज़ एम वी स्क्वा ओवर वी एन स्क्वायर ओवर आर एन अब जब हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो यहाँ हमारे पास आर एन की वैल्यू जो एक आर की वैल्यू यहाँ पर कैंसल होगी तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा के ई स्क्र ओवर आर एन और इस तरफ हमारे पास बचेगा सिर्फ एम वी एन स्क्वा ठीक है इसके नीचे तो वन आ जाएगा राइट दिस इज़ वन तो इसके बाद जो हम ये लिखते हैं कि यहाँ पे हमने आर एन फाइंड करना है विच इज़ रेडियस ऑफ एन थॉट तो इस आर एन को अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ और एम वी एन को इस तरफ ले आऊँ तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज़ के ई स्क्वायर ओवर आर एन जो है अब इस आर एन को जो है उस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ जो है ये आ जाएगा एम वी एन स्क्वा दैट इज़ इक्वल्स टू आर एन अपॉन वन या फिर इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं कि जो आर एन है आर एन ओवर वन इज़ आर एन दैट इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर ओवर एम वी एन स्क्वायर ये भी जो हमारे पास एक सिंपल जो है मैथमेटिकल uh, एक्सप्रेशन बन गया इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग आर एन को हमने फाइंड किया सेंटिपिटल uh, फोर्स को और कूलम्स uh, फोर्स को इक्वेट करके ठीक है अब यहाँ पे जो है ये जो हम लोग इसमें नेक्स्ट जो है हम लोगों ने इस इक्वेशन से आर एन की वैल्यू फाइंड कर सकते थे अगर हमें राइट right साइड वाली सारी वैल्यूज़ पता होती के जो है दैट इज़ कॉन्स्टेंट हमें के का पता है दैट इज़ कूलम्स कॉन्सटेंट ई का पता है दैट इज़ चार्ज एम इज़ मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ वी एन जो है दैट इज़ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन थॉट ये हमें नहीं पता अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो हम बनाएंगे और इसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से हम लोग आर एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं देखिए बच्चों फ्रॉम बोर्स सेकेंड बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट ये चीज हमने पढ़ी थी कि जो एन वी आर है दैट इज एक्स सेकेंड पॉस्टुलेट एम वी आर दैट इज इक्वल्स टू एन एच ओवर टू पाई ये हमने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है इस एक्सप्रेशन में जो डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स हैं जिसमें एम जो है ये मैस है वी जो है दैट इज़ स्पीड और आर जो है दैट इज़ रेडियस एन इज़ नंबर इंटीग्रल नंबर एच इज़ प्लान्स कॉन्स्टेंट यहाँ जो हम लोग इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखता हूँ मैं वी के साथ एन लिखता हूँ आर के साथ एन लिखता हूँ और इस तरफ एन एच ओवर टू पाई लिखता हूँ ठीक है यहाँ से जो हम लोग वी एन फाइंड करते हैं तो वी एन का जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू एन एच ओवर टू पाई टू पाई के साथ यहाँ आ जाएगा एम टाइम्स आर एन ठीक है अब ये वी एन की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रिप्लेस करने से पहले हम लोग इसका स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं इसको लिखता हूँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहाँ पे इसको स्क्वायर करें तो हमारे पास आता है जो वी एन स्क्वायर एक एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर फोर पाई स्क्वाड आर एन स्क्वायर तो इस वी एन की वैल्यू को यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया ठीक है अब स्क्वायर इसलिए किया कि हमारे पास जिस एक्सप्रेशन में हमने इसको रिप्लेस करना है इस एक्सप्रेशन नंबर थ्री में वहाँ पे वी एन का स्क्वायर है एक काम जो यहाँ पे हम और करते हैं कि यहाँ पे वी एन स्क्वायर है और यहां पर ये वन ओवर वी एन स्क्वायर होगा तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं ठीक है तो इसका आप लोग रेसिप्रोकल करें तो वी गेट दिस इज वन ओवर वी एन स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू फोर पाई स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर ठीक है रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पे हमारे पास वी एन स्क्वायर ओवर वन है एक तरह से तो वन ओवर वी एन स्क्वायर हो गया और इस तरफ ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली नीचे अब जो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे और यहाँ से फिर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनाएंगे यहाँ पे आप लोग बच्चो इसका स्क्रीन शॉट लें या इसको नोट करें क्योंकि मैंने ये लेफ्ट साइड पे जो लिखा है इसको यहाँ से अरेस करना है ठीक है ये वाली यहाँ से मैं अरेस करूँगा ओके ले लें आप इसका स्क्रीन शॉट और अच्छा बच्चों अब हम यहाँ पे जो है आगे चलते हैं और इसकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास बच्चों जो आर एन है यहाँ पे Uh, that is actually equals to ke square over m multiplies one over vn square. ये है हमारे पास expression three. जो three equation है वहाँ से मैंने ये rn की value जो है ये लिखी है. ठीक है? तो rn is equal to ke square over m times this. अब इसमें हम one over vn square वहाँ से uh, substitute करते हैं तो हमारे पास ये expression बनेगा ke square over m multiplies वन ओवर वी एन स्क्वायर की वैल्यू लगाएं तो ये जो हमारे पास आएगा फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर ठीक यहाँ पे जो आप हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जो है ये कैंसिल होंगी और हमारे पास जो है ये फाइनल आंसर जो है यहाँ से हम बना पाएंगे ठीक इस तरह से बच्चों के ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एम है ये एम इस एम से कट जाएगा एम स्क्वायर से और दूसरी तरफ ये हमारे पास आर एन है तो यहाँ पे आर एन स्क्वायर है तो यहाँ से एक आर एन स्क्वायर जो है ये यहाँ से कट जाएगा ठीक होगी बात अब हम जो है अब थोड़ी सी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं यहाँ वन है हमारे पास और इस तरफ हमारे पास के ई स्क्र ओवर वन आ गया मल्टीप्लाइस दिस इज़ नाउ फोर पाई स्क्वायर एम दिस इज़ आर एन नाव दिस इज़ ओनली आर एन स्क्वायर इस आर एन से कट गया तो नीचे हमारे पास आएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब इसको जो इस तरफ ले आए आर एन को एक तरफ ले जाएं तो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा अगर इसको मैं इस तरफ ले आऊँ एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये इस तरफ आ जाएगा इक्वल्स टू के ई बचेगा यहाँ और फिर हमारे पास बचेगा फोर पाई स्क्वा एम इन आर एन अब यहाँ से जो हम लोग आर एन जो है उसको फाइंड करें तो ये जो आर के अलावा बाकी फैक्टर है इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये हमारे पास एन स्क्वाच स्क्वायर ओवर ये हमारे पास आएगा फोर पाई स्क्वायर एम और उसके साथ ये हमारे पास आ जाएगा के ई स्क्र दिस फैक्टर इज इक्वल्स टू आर या इसको हम कह सकते हैं कि जो आर है हमारे पास द फाइनल आर एन नाव दैट इज़ इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर फोर पाई स्क्वायर एम इन टू के ई स्क्र तो ये जो बच्चों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोग आर एन की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट आर एन द क्वान्ट रेडियाई लेकिन जो इस फैक्टर में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कांस्टेंट है जिन्होंने चेंज नहीं होना जैसे ये एच है प्लंग्स कांस्टेंट पाई एम के ई ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने चेंज नहीं होना है, जो कि कांस्टेंट है तो मतलब कि इन वैल्यूज़ ने चेंज नहीं होना तो लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि ये जो एट स्क्वायर है और उसके साथ जो फ़ोर पाई स्क्वायर है साथ इसके एम है और के ई स्क्वायर है ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये एक कॉन्सटेंट नंबर बनेगा अब इसमें इस जो अगर हम इसकी वैल्यू लगा दें h की वैल्यू लगा दें 6.63 पॉइंट सिक्स थ्री टाइम्स टेन रेज टू द पार माइनस थर्टी फोर फिर फोर है पाई की वैल्यू हम लगाएं, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 पॉइंट वन टाइम्स टेन रेज टू द पार माइनस थर्टी वन के है विच इज़ नाइन टाइम्स टेन रेज टू द पार नाइन है और e है विच इज़ वन पॉइंट सिक्स टाइम्स टेन रेज टू द माइनस नाइनटीन है तो अगर जो आप लोग इसको कैलकुलेट करें तो आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा सो दिस आंसर विल बी इक्वल्स टू दिस आंसर विल बी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री टाइम्स टेन रेज टू दार माइनस नाइन मीटर जिसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव थ्री नैनोमीटर राइट सो दिस कॉन्स्टेंट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री नैनोमीटर ठीक अब जो इस वैल्यू को अगर हम छोड़ें और इस एक्सप्रेशन में हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ इस एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ पे लेके आए तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो आर एन का एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पे रेडियस ऑफ एन थॉर्बिट नाउ दैट इज़ इक्वल्स टू एच ओवर फोर पाई स्क्वायर एम इंटू के ई टाइम्स एन स्क्वायर और इस सारे की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है सो दिस इज़ आर एन एक जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव थ्री नैनोमीटर कॉन्स्टेंट टाइम्स एन स्क्वा तो जो इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्वान्टाइज रेडियाई जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम के लिए लेट्स एव जो फर्ज कर लेते हैं एन जो है दैट इज़ वन लेट्स ए सो वी गेट आर वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव थ्री नैनोमीटर टाइम्स वन तो वी विल गेट द सेम आंसर आर वन विच इज़ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव थ्री नैनोमीटर सो दिस इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ऐट इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड दैट इज़ एक्चुअली नैनोमीटर फ्रॉम और फ्राम द न्यूक्स द फर्स्ट ऑर्बिट लाइज जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव थ्री नैनोमीटर्स फ्राम दिस पॉजिटिव न्यूक्लियस सो दिस इलेक्ट्रॉन इज़ दिस मच अवे फ्राम द न्यूक्स ठीक है तो इसके मुताबिक जो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लेट से यहाँ से मैं लिखता हूँ उसको रेस कर देता हूँ तो हमारे पास जो एक जनरल एक्सप्रेशन बन रहा है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि हम ये भी कह सकते हैं कि ना आर एन इज़ इक्वल टू सो आर एन वॉज जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव थ्री नैनोमीटर टाइम्स एन स्क्वायर सो होल दिस नंबर इज़ एक्चुअली आर वन सो हम लिख सकते हैं आर वन टाइम्स एन स्क्वायर ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना जिसमें ज़ीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव थ्री नैनोमीटर को मैंने आर वन के इक्वल जो है वो लिख लिया ठीक है तो इस तरह आप कह सकते हैं तो यहाँ से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि लेट्स से फोर एन इज़ इक्वल टू टू द सेकेंड ऑर्बिट द रेडियस फॉर द सेकेंड ऑर्बिट आर टू विल बी इक्वल्स टू आर वन इंटू टू स्क्वायेर सो टू स्क्वायर इज़ फोर सो दिस इज़ फोर आर वन ठीक है आप देख सकते हैं बिकॉज टू स्क्वायर इज़ फोर तो फोर मल्टीप्लाइज आर वन इज़ फोर आर वन तो ये लिख सकते हैं और इसी तरह जो अगर इसमें नेक्स्ट में लिखूँ

और अगर इसको मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं या फाइनल अगर रिज़ल्ट के तौर पे लिखूं तो फर्स्ट ऑर्बिट इज़ आर वन द सेकेंड ऑर्बिट इज़ फोर आर वन एंड द थर्ड ऑर्बिट इज़ नाइन आर वन एंड द फोर्थ ऑर्बिट इज़ सिक्सटीन आर वन एंड सो ऑन तो ये जो जो आर वन फोर आर वन और नाइन आर वन और सिक्सटीन आर वन ये हैं हाइड्रोजन के पॉसिबल एनर्जी ऑर्बिट्स यानी हाइड्रोजन में जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा दैट विल बी आर वन डिस्टेंस दैट विल बी एट आर वन डिस्टेंस द सेकेंड ऑर्बिट और द सेकेंड एनर्जी स्टेट विल बी फोर आर वन मीन्स के फोर टाइम्स ऑफ द फर्स्ट तो लेट्स कि अगर फर्स्ट रेडियस जो है ये जो उसका वन सेंटीमीटर है तो दैट मीन्स द सेकेंड रेडियस इज़ फोर सेंटीमीटर राइट उसका फोर टाइम्स होगा और इस तरह से जो थर्ड होगा रेडियस दैट विल बी द नाइन टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रेडियाई फर्स्ट रेडियस और जो फोर्थ होगा स्टेट दैट विल बी सिक्सटीन आर वन तो इसका मतलब जो ये है कि अगर हम देखें तो देर इज़ अ लार्ज गैप बिटवीन एनी टू एनर्जी स्टेट्स और वी कैन से देर इज़ अ लार्ज गैप बिटवीन टू ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन आइटम ठीक है आर वन से आर जो सेकेंड ऑर्बिट है दैट इज़ फोर टाइम्स और जो थर्ड है दैट इज़ नाइन टाइम्स और जो फोर्थ है दैट इज़ सिक्सटीन टाइम्स कि अगर ये वाला हाइड्रोजन आइटम है इसका ये फर्स्ट है तो द सेकेंड ऑर्बिट इज़ एक्चुअली वेरी फार एंड दैट इज़ फोर टाइम्स ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्बिट और इस तरह फिर जो थर्ड होगा दैट विल मस्ट बी नाइन टाइम्स वो तो बहुत दूर चला जाएगा इससे सो दैट मस्ट बी नाइन टाइम्स अवे फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट और फिर सिक्सटीन टाइम जो है वी कैन से जो इससे अगला है दैट इज़ द थर्ड वन इज़ नाइन टाइम्स आर वन एंड द फोर्थ वन इज सिक्सटीन तो यहाँ से बच्चों ये बात भी हमें पता चलती है कि जो एटम है हाइड्रोजन एटम उसके डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स जो हैं उसमें काफ़ी गैप है और हाइड्रोजन एटम के बीच में काफ़ी एम्पोटी स्पेस जो है ये हो सकती है या उसमें एम्पोटी स्पेस है ठीक है बच्चों तो यहाँ तक हम लोग हमने कम्प्लीट किया हम कह सकते हैं कि दिस इज़ क्वान्टाइज रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम सो क्वान्टाइज मीन्स के हाइड्रोजन एटम की एक मखसूस जो है एक डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स हैं ऐसे नहीं कि किसी भी एनर्जी स्टेट में ऐसे नहीं कि energy, है कि वेरिएबल एनर्जी एक डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स हैं जैसे आर वन है फोर आर वन है नाइन आर वन है सिक्सटीन आर वन है तो दीज आर सम डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स वेर एलेक्ट्रॉन कैन गो अगर इलेक्ट्रॉन आर वन से निकलेगा तो फोर आर वन में जाएगा और फोर आर वन से निकलेगा तो नाइन आर वन में जाएगा और नाइन आर वन से फिर सिक्सटीन आर वन स्टेट्स को ऑकोपाई करेगा दीज आर डिफरेंट पॉसिबल रेडियाई और ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ठीक है तो यहाँ तक बच्चों हम अपने टॉपिक uh, को कंक्लूड करते हैं तो दिस इज सिंपल टॉपिक मैथमेटिकल टॉपिक और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है यह हम कह सकते हैं कि बन सकता है ठीक तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू कैन फाइंड क्वान्टाइज एडिया ऑफ हाइड्रोजन एटम ये सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो मैंने आपके सामने ड्राइव किया है आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करें और इसकी प्रैक्टिस करें दैट विल बी योर लॉन्ग क्वेश्चन और एट बचो तो दैट्स ऑल अभी इस लेक्चर में इतना ही फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर फोर में उसको हम लेंगे क्वांटाइज्ड स्पीड्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन के मूव करने की स्पीड्स डिफरेंट होती हैं दैट इज़ ऑल्सो क्वान्टाइज राइट उसके साथ आपसे बात करते हैं तब तक आप अपना ख्याल रखें अच्छा अच्छा सा पढ़ते रहें टेक केयर बाय बाय